G20 सम्मेलन के अंतर्गत रामनगर जनपद नैनीताल में आयोजित होने वाली चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की बैठक में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने प्रशासनिक हमले के साथ पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता, रुकने आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही रोड कनेक्टिविटी की जाँच हेतु पंतनगर एयरपोर्ट से रुद्रपुर, गदरपुर, दौराहा, बाजपुर, बनना खेड़ा, बेलपड़ा, रामनगर होते हुए ढिकुली तक सड़क व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं वर्ल्ड क्लास लेवल की होनी चाहिए। देखिए, G20 की दो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की राउंड टेबल उत्तराखंड में होनी है और ये रामनगर में होगी, क्योंकि इसकी हैंडलिंग पंतनगर से होगी, एयरपोर्ट भी यहीं का ऑपरेशनल है। उसके अलावा जो हाईवे से हम लोग गुजरेंगे, इसके सारे इंतज़ाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत अच्छे स्तर के होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। तो उसको देखने आज हम आए हैं और अभी सभी ऑफिसर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पहली बात तो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं क्या क्या कमियाँ हैं, समयबद्ध तरीके से इनको कैसे पूरा करना है और किस किस की क्या जिम्मेदारी हो, इसको लेके बात चल रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।